उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि नए बूट कैंप है और जो अपना प्लेयर नया हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद कुछ चीजें प्लान की है वो प्लान करेंगे और उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि क्या है ना बहुत सारे लोग खेलने वाले हैं, सिर्फ ऑडियंस नहीं पूरी कम्युनिटी खेलने वाली है। और क्या है जो हाँ लेकिन इतना तो फिक्स है कि जो बंदे अपने स्पैम कर रहे हैं चैट में वो बंदे मतलब वो तो है वो तो प्लेयर है कोई भी प्लेयर है। बूट कैंप के बारे में बताओ, देखो बूट कैंप का एक अपडेट देता हूँ मैं आपको। बूट कैंप जितना मुझे सुनने में बूट कैंप रिवील तो हम लोग नहीं करेंगे जल्दी बूट कैंप का क्योंकि शूट प्रॉपर होना बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 10 से लेकर 15 फेब के बीच में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी सीन ऐसा है कि 9 तारीख को स्काई स्पोर्ट का इवेंट स्टार्ट हो रहा है फाइनल, ठीक है। तो वो इवेंट में हमें खेलना है तो वो टाइम पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोग को, पूरा बैक पैक करो सारी चीज़ें करो। तो जैसे ही हम लोगों ने भी सोचा है कि जैसे ही स्काई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे नए बूट कैंप पे और जो अपना प्लेयर नया हम लोग ले रहे हैं वो प्लेयर भी उसी टाइम पे बूट कैंप पे शिफ्ट करेंगे जब हम लोग शिफ्ट करेंगे। द रोल ऑफ अपकमिंग प्लेयर आईजीएलिंग और असॉल्टिंग, देखो अभी क्या है ना आईजीएल तो इंडिया में ऐसा देखा जाए तो बहुत कम बहुत कम हाथों की उंगलियों पे कितने इतने अच्छे आईजीएल से, तो वो उनकी टीम के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आईजीएल तो मिलना बहुत मुश्किल है यार। अच्छा तो वो सारी चीज़ें तो है नहीं अभी डिमांड में आईजीएल का लेना वगैरह। हम लोगों ने एक प्लेयर डिसाइड किया बहुत अच्छा प्लेयर है बहुत अच्छा गेम सेंस है प्लेयर के पास। तो यस come hard G's 10k can't touch ya, take the hits that don't lie let you care, I'm so damn high in the coupe.